लंबी लगी ठीक है, मगर वो बांध के रखती है। बहुत डरावना था, बीच बीच में डरावने गूज़बम्प्स देते हैं। इंटरवल के बाद पिक्चर ने पिकअप पकड़ा। वी रियली थॉट इट वुड बी शर्वरी फिल्म, बट शर्वरी शी वाज लुकिंग प्रीटी ओनली इन द लास्ट सॉन्ग। वो उतना इफेक्टिव नहीं था, साउंड बहुत ज्यादा है। मूवी एंड तक जरूर देखना, दिस अस लिटिल सा सरप्राइज फॉर यू गाइस। सो मुंजिया बहुत अच्छी मूवी है, और मेरे ख्याल से हॉरर मूवी में सबसे बेस्ट मूवी जिसको आप जानते हैं, पहले स्त्री करके उन्होंने बनाया है, इस बार भी बहुत अच्छी मूवी बनाया है। आपको बहुत एंगेजिंग मूवी है, आपको लास्ट तक एंड तक आपको बांध के रखती है, हिलने नहीं देती है, और सस्पेंस रहता है कि अब क्या होगा अब क्या होगा, और आपको कभी कभी गुस्सा भी आता है कि आप ही खुद क्यों ना उसको मार रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है। बेस्ट हॉरर सीक्वेंस कौन सा लगा? हॉरर सीक्वेंस में सभी है, लास्ट का पोर्शन बहुत अब लगता था कि अब कुछ अलग होगा, अब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मूवी, मगर वो और बढ़ता गया। थोड़ी लंबी लगी, लंबी लगी ठीक है, मगर वो बांध के रखती है, बांध के रखती है। बोरिंग नहीं होता, आखिर के गाने तक बिठा के रखती है। हाँ, अफरीदन ऐसी लगी लास्ट में शर्वरी। फाइव में आप इसको 3.5 दे सकते हैं। 3 पॉइंट अच्छी। कैसी है फिल्म? बहुत जबरदस्त, मजा आया, सबको देखना। बहुत कहानी सुपर, हॉरर एक स्टोरी कॉमेडी सब मिला के 10/10। बहुत अच्छा मूवी था, लाइक VFX भी बहुत अच्छा था कंपेयर टू लाइक अदर मूवीज, लाइक बहुत अच्छा मूवी था। ओके, जाना चाहिए, लोगों ने देखना चाहिए, एक्चुअली देखना चाहिए। इट्स लाइक हॉरर एंड कॉमेडी, दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओके, हां थैंक यू। मुंजिया का ये कैसा था कैरेक्टर, कैसा था मुंजिया? वो बहुत अच्छा था, बहुत डरावना था, बीच बीच में डरावने गूज़बम्प्स देते थे, पर मजा आया। हॉरर सीक्वेंसेस में डरेंगे लोग? ऑफ कोर्स डरेंगे, बहुत अच्छा था। It was very good. Good film. Yes. How the story and horror effect. Story, everything is very nice. Okay. Which is the best horror sequence you like? Actually, it was comedy plus horror, so it was too good. It has a unique combination which we haven't seen. Okay. Yeah. People will like it. People will like it. Definitely, they are gonna like it. पिक्चर ठीक है, वन टाइम है, टाइम पास है, देख सकते हैं। ओके। हॉरर का जितना मतलब सोचा था उतना मिला नहीं, फिर भी ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। हाँ। ओके, बूथ कैसा लगा मुंजिया? बूथ उतना इफेक्टिव नहीं था, साउंड बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करना था। ओके। थोड़ा डर ज्यादा डालना था। अच्छा। थोड़ा बहुत डर लग रहा था? नहीं उतना लगा ही नहीं। अच्छा। कॉमेडी ठीक है? हाँ, कॉमेडी का है। हाँ, कॉमेडी का ठीक है। नहीं समझा, डर गया था, बहुत डर गया था अहमद भाई, बहुत डर गया, दो बार तो कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, सही बोल रहा हूँ, वो जो मुंजिया आया ना, दो बार किसम के टकले पे आ गया, दो बार उठ के खड़ा हो गया। क्या लग रहा है पब्लिक को, पसंद आएगी पिक्चर? देखना चाहिए, देखो आने चाहिए, शायद आएगी, शायद अच्छी लगेगी। शर्वरी कैसे लग रही? शर्वरी का काम अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या रेटिंग है? 4/5 आउट ऑफ 2। गुंजिया मुझे ठीक ठाक लगी, मुंजिया सॉरी गुंजिया बोलो, मुंजिया मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब बहुत मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मोर देन एनीबडी एल्स। हाँ, और जहाँ तक बैकग्राउंड म्यूजिक का सवाल है, कुछ ज़्यादा ही खिंचा हुआ सा है बैकग्राउंड म्यूजिक, थोड़ा सा उसको रिस्ट्रेन कर सकता था। अभय वर्मा का एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, बस फैबुलस, लड़के ने अच्छा काम किया। शर्वरी का उतना तो स्क्रीन टाइम नहीं था या जो भी है, बट शी वॉज लुकिंग प्रिटी ओनली इन द लास्ट सॉन्ग, जो आखिर में गाना है फिल्म में, उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मेरे हिसाब से द फिल्म विल बी मोर पैलेटेबल टू द चिल्ड्रन बिकॉज द CGI को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस वुड हैव बीन मच बेटर, दिस लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ 3D कार्टून आई'ड से, एंड आई वुडन्ट बी एग्जैजरेशन, इट वुड बी एन एग्जैजरेशन स्टेट दैट। तो मेरे हिसाब से बच्चों को पसंद आएगी ज़्यादा, बट हाँ जो हॉरर फैक्टर था वो फिल्म के सेकेंड हाफ में काफ़ी निखर के आया था, एंड इवन इन द फर्स्ट फ्यू सीन्स ऑफ द फिल्म, बीच में थोड़ा सा वो कॉमेडी लेके आने के लिए, वो पंजाबी वाला कॉमेडी लेके आने के लिए वही दिखाया गया था, जो बाकी सारे फिल्मों में से कोई डिफरेंट नहीं है, बट दैट्स अबाउट इट। स्टोरी तो अच्छी थी, स्टोरी ठीक थी, और ऐसा होता है मतलब गांव खेड़ों में तो बहुत सुना है, मतलब कहानियाँ हैं तो वहाँ से ही कहीं ना कहीं उठाया गया है, सुना है, मतलब लिया गया है, तो इट्स क्वाइट
बिलीवेबल। हाँ बच्चों को पसंद आएगी ज्यादा। फिल्म एक्चुअली काफी अच्छी है, आई रियली वेंट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस, बट फिल्म ने मुझे काफी सरप्राइज किया। ऐसा सरप्राइजिंग था फिल्म में? फिल्म का जो टोन है, जिसकी जो डायरेक्टर है उन्होंने काफी सही रखी, एक परफेक्ट ब्लेंड रखा हॉरर और कॉमेडी का। हॉरर में जंप स्केयर जरूर मिलते हैं और कॉमेडी तो भर भर। द जंप स्केयर विच आई गॉट हैज टू बी थ्रू द कैमरा एंगल्स, कहीं से भी मुंजा आना वो अनएक्सपेक्टेड ही है, और एवरी टाइम ही कम्स हॉरर को जंप स्केयर देगा आपको। या इट्स अ परफेक्ट मिक्स, जेंजी को भी कनेक्ट करेगी, फैमिली ऑडियंस को भी देखनी चाहिए। इतना कुछ डबल मीनिंग जैसा लगेगा नहीं, बट है ऑब्वियसली, बट उतना तो चलता है। अदरवाइज रियली गुड, रियली नॉट एक्सपेक्टेड कि वो इतना अच्छा रोल पुल ऑफ कर जाए जस्ट सो इजीली। शर्वरी जितना लगा, वी रियली थॉट इट वुड बी शर्वरी इस फिल्म, बट शर्वरी कम थी कंपेयर टू अब है, बट जितना भी थी वो भी बहुत सही थी। आनी चाहिए, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा। चार इंटरवल तक तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगी। हाँ इंटरवल के बाद पिक्चर ने पिकअप पकड़ा, लेकिन डर वाली बात बोलते हैं ना वो नहीं नजर आई पिक्चर में, डर नहीं लगा, जरा भी डर नहीं लगा। कॉमेडी ज्यादा थी, अभी स्त्री भी कॉमेडी थी, लेकिन स्त्री का मतलब डर भी लगा था। और वो एक पिक्चर आई थी ना मी चेटकी नाई, तो वो रियल में 3 दिन तक डर लगा था, तो डर का तो यहाँ सवाल ही नहीं था। और मतलब कंपेयर टू स्त्री और जो इनकी और बाकी फिल्म है उस हिसाब से ये पिक्चर मुझे उतनी दमदार नहीं लगी। जरा भी अच्छा नहीं लगा मतलब वो मुंजिया, मतलब वो जो भूत दिखाया ना वो डरावना तो लग ही नहीं रहा था, एक डर लगना चाहिए। डर वाली पिक्चर में आया तो डर लगना चाहिए कि अभी थिएटर से बाहर निकलेंगे तो कहीं भूत ना दिख जाए तो वैसा कोई डर नहीं लगा। हाँ एंड तक भी मतलब इंटरवल के बाद पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि सीन बाय सीन अच्छे थे और हीरोइन का काम सबका, लेकिन ऐसे डर बोलते ना वो नहीं लगा कि रात हो रही है तो अब डर लगना चाहिए, वैसा नहीं लगा। हीरोइन अच्छी लगी मुझे, हीरोइन बहुत आगे जाएगी, मतलब अभी ना हीरोइनों की कमी भी हो रही है, सब बुढ़े हो रहे हैं एक्चुअली तो अब नई हीरोइनें आएंगी तो अच्छा ही है, तो हीरोइन बहुत अच्छी लगी, आगे चल के वो और राइज करेंगी। वैसे भी मराठी हीरोइनें बहुत राइज करती है मैंने देखा है, और प्रोफेशनल भी होती है, और हीरो तो पहले से ही वेब सीरीज से फेमस है अबे, तो उनका और वो हर मतलब इसमें मैं एक्चुअली उनको पहचान नहीं पाई, मैंने बोला सही में ये वही है, कितना लुक्स डिफरेंट है, तो एक्टर वही है जो हर पिक्चर के साथ अपना लुक चेंज करे, तो ये उन्होंने किया। तो अभय ने भी पूरी एक्टिंग अपनी अच्छी की, लेकिन स्टोरी मैं बोलूंगी ना तो वीक थी। हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा डाला, लेकिन स्टोरी दमदार नहीं लगी मुझे उतनी। इंटरवल के बाद पब्लिक खींच लेगी पिक्चर, मतलब इंटरवल के बाद पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जितनी स्त्री और वो अभी भी याद किया जाता है ना नहीं किया जाएगा उतना नहीं। फाइनली क्या रेटिंग है पांच में? मैं 3 दूंगी, सबकी एक्टिंग और सबके हिसाब से 3 ठीक है। हाँ 4 स्टार्स, डायरेक्शन, स्क्रीन, एक्टिंग और कमाल, डांसेस एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑफकोर्स कॉमेडी एट द सेम टाइम। अभय वर्मा बहुत कमाल अंदाज से बहुत आगे जाने वाले हैं, ये बात मैं आज बोल रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ वो मेरी कई बातों पे भी खरे उतरे और दिलों पे राज जो है वो करते रहेंगे, अपने राज छुपाते छुपाते भी। बहरहाल फिल्म जो है आपको जरूर देखनी चाहिए। बहुत समय से सोच रहा था मैं कौन सी फिल्म लोगों को रिकमेंड करूँ, बॉलीवुड में इतनी सारी फिल्में आई हैं, बट आई वाज लाइक हैं व्हाट टू सजेस्ट, नाउ आई हैव अ फिल्म इन माय माइंड कि मुंजिया जो है अच्छी फिल्म है जो शायद लोगों को दिलों से देखनी चाहिए, वो जरूर आपको कमाल अंदाज में देखनी भी चाहिए। यार बहुत सारे हैं सच कहूँ तो, बहुत जगह पे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, सो या दैट वॉज देयर, आई कांट नेम वन बिकॉज टू मच थिंग्स इन द माइंड राइट नाउ, बट कमाल अंदाज। मुंजिया बहुत अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है, हॉरर है, ड्रामा है, रोमांस है, परफेक्ट फिल्म, आई लाइक द फिल्म।
हॉरर सीक्वेंस बहुत सारे थे, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट बिकॉज ऑडियंस का फिर वो क्रेज खत्म हो जाएगा, हाउ विल दे कम, आई वांट देम टू एंजॉय एवरी ईच एंड एवरी सीन ऑफ द फिल्म. और इसमें बहुत से ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे आपको हंसी भी आएगी, डर भी लगेगा, स्टार्टिंग में आपको डर लगता है, बाद में आपको डर लगता है, सो आई डोंट वांट टू स्पॉइल, आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइलर हियर. आई मीन दोनों के बहुत अच्छे थे. आई थिंक द न्यू गाय अभय हैज डन अ ग्रेट जॉब, ही इज लुकिंग सो गुड ऑन द कैमरा एंड शर्वरी फैंटास्टिक. आई डोंट नो शी कुड डांस सो वेल. उनका जो आइटम सॉन्ग है लास्ट में, इवन इन ड्यूरिंग द फिल्म शी इज लुकिंग गॉर्जियस. मुंजिया क्यूट है, स्कैरी है, उसमें आई थिंक ही हैज एवरीथिंग. थोड़ा सा ऑब्सेसिव भी है, रेड फ्लैग बोल सकते हैं जो मोस्ट पीपल आर लाइक टॉक्सिक वे में अट्रैक्टेड टू, बट क्यूट है एंड स्कैरी भी है. आई वुड से दिस मूवी इन जनरल इज अ फैमिली एंटरटेनर, लाइक यू कैन गो विथ योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एनी बडी and you'll have a great time. And also movie end tak zarur dekhna, there's a little sa surprise for you guys, so do watch it. I really love the movie, I'm gonna watch it once more, so yeah, there you have it. What's your rating out of 5? 4.5. 4.5, yeah.